प्रियंका की टीम पर लगे शिव को बदनाम करने के झूठे आरोप। प्रियंका की टीम ने किया ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज। दरअसल होता कुछ हुआ कि विकास के घर से बाहर आने के बाद विकास मानिकतला की वाइफ गुंजन शिव ठाकरे पर विकास के कपड़े पहनने के आरोप लगाती है। अब फैंस का कहना है कि गुंजन ये जानबूझ कर कर रही थी ताकि बात शिव के इमेज पर आए। अब रिसेंटली ये पता चला कि विकास की वाइफ गुंजन प्रियंका के मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है, तो अब कुछ लोग ये डॉट कनेक्ट करने लगे कि क्योंकि विकास की वाइफ गुंजन प्रियंका के मैनेजमेंट टीम से है, इसीलिए वो जानबूझकर शिव की इमेज खराब करने की कोशिश कर रही थी। अब इस पूरे मुद्दे पर प्रियंका की टीम के साइड से ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया जाता है। प्रियंका की टीम का कहना है कि गुंजन को ऑनबोर्ड करने का फैसला चंडीगढ़ बेस्ड इनसिंक कंपनी का है, जो प्रियंका की मैनेजमेंट टीम है। गुंजन को ऑनबोर्ड करने के पीछे प्रियंका का कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी गुंजन को 23 जनवरी को ऑनबोर्ड किया गया है। साथ ही टीम का कहना है कि इतनी सफाई तो प्रियंका सलमान खान के सामने नहीं देती है जितना हम सबको देते हैं, क्योंकि प्रियंका के हर एक स्टेटमेंट हर एक चीज को लेकर हेटर्स की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, जैसे प्रियंका के फॉलोअर्स रियल नहीं है, प्रियंका के सिबलिंग को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत क्यों है। इन सभी आरोपों से घर के बाहर लोग प्रियंका के अगेंस्ट गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए, और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।